हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ मी हिमानी शर्मा एंड वेलकम टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग है 9 अक्टूबर का और उस दिन मैंने ऑलरेडी एक स्टडी व्लॉग डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने नई कोचिंग स्टार्ट करी है। तो बस इस वाले व्लॉग में मैं सारे नहीं बट बैकलॉग्स कंप्लीट करने वाली हूँ। उस कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो आगे वो पढ़ा रहे हैं वो तो मैं अटेंड करूँगी ही करूँगी, बट उसके साथ में जो बैकलॉग्स हैं उन्हें भी मुझे कवर करना है। तो सबसे पहले मैंने बनाई टू डू लिस्ट, रफ सी मैंने बनाई थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मुझे कितने लेक्चर्स अटेंड करने हैं, रफ सी मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दी। उसके बाद में अराउंड 8 o'clock मैं बैठ गई पढ़ने। ओके, सो आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा GOC। वो इसलिए बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आगे चल के मुझे ऐसा लगे कि मैंने पिछले लेक्चर्स नहीं अटेंड करे और उसमें पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ और इतना कुछ आगे हुआ नहीं है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सिलेबस है कवर करने के लिए, इतना भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं ताकि मुझे ऐसा ना लगे आगे चल के कि मैंने ये छोड़ा था इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है। फिर इसीलिए मैंने केमिस्ट्री में GOC से स्टार्ट किया। इससे पहले भी एक और चैप्टर हो गया है बट मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी वीक है, तो यहाँ पे मैं वो ही पढ़ रही थी। ओके, सो सिलेबस से याद है दैट नेक्स्ट ईयर क्लास 10th वालों के बोर्ड्स हैं एंड आई होप कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अक्टूबर तक तो मैक्सिमम खत्म ही हो जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिविजन, PYQ एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। सो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक सजेस्ट करती हूँ, बेसिकली उसमें सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज CBSE क्लास 10th साइंस सैम्पल पेपर्स बुक बाय एड्यूकार्ट। तो इस बुक में आपको काफ़ी सारे साइंस के सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे ही इस बुक को आप खोलते हो सबसे पहले आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज माइंड मैप्स। इससे आपके हर एक चैप्टर का क्विक रिविजन हो जाएगा, फटाफट से आप रिवाइज कर सकते हो पेपर्स प्रैक्टिस करने से पहले। उसके बाद आप काफ़ी सारे इसमें आपको पेपर्स मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें आपको आंसर की भी मिल जाती हैं। और ये सैम्पल पेपर्स आपको CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई सैम्पल पेपर्स की बात, बट क्लास 10th में बच्चे पहली बार बोर्ड्स देते हैं, उनकी OMR शीट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो इसके लिए एड्यूकार्ट ने, ताकि आपकी OMR शीट में गलतियाँ ना हो, इसीलिए एड्यूकार्ट आपको सैम्पल पेपर्स के साथ 3 OMR शीट्स प्लस 3 साइंस के पेपर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी घर में ही प्रैक्टिस हो जाए। घर में ही अगर आप OMR शीट पहले प्रैक्टिस कर लोगे, पहली चीज़ ये होगी एग्जाम में कि आपकी गलतियाँ नहीं होंगी OMR शीट में। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपका OMR शीट पर ही जाता है, तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से आप भर लोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस करी होगी। सो दीज आर द मस्ट हैव फॉर ऑल द 10th ग्रेडर्स। तो अगर आपको ये OMR शीट एंड ये पेपर्स और सैम्पल पेपर्स परचेज करने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। एंड ये वाली बुक मैं अपने कज़न को देने वाली हूँ बिकॉज वो भी अभी 10th में है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑलरेडी वो भी एड्यूकार्ट की बहुत सारी बुक्स यूज़ करता है, सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हें ये, स्पेशली OMR शीट। सो येस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। नाउ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल्सो बायो में। मैं ये सोच रही हूँ कि बायो में मैं लेक्चर्स अटेंड नहीं करूँगी, बायो में मैं सीधे रिविजन ही स्टार्ट करूँगी, उसके साथ मैं DPP लगाया करूँगी। वो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत वीडियो में बता दिया है कि मेरे जो नोट्स हैं बायो के वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ब्रीफली हैं, मतलब पूरी NCERT तुम्हें उसमें मिल जाएगी, प्लस रेफरेंस बुक से भी बहुत सारी चीज़ें मेरे नोट्स में हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ DPP लगाऊंगी, उसके साथ में मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगी, उसके साथ में मैं अपने लॉन्ग नोट्स रिवाइज करूंगी जो मेरे 11th और 12th दोनों के पढ़े हैं। सो वो मैंने बायो के लिए सोचा है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर लगा रही थी एंड उसके बाद में अराउंड 9 o'clock 1 hour तक मैंने पढ़ा। उसके बाद में आई थॉट कि चलो ब्रेक ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट अराउंड 9:30 मैं फिर से पढ़ने बैठ गई टिल 10 o'clock तक। ओके गाइस, सो मैंने अराउंड 10 o'clock तक पढ़ाई की, उसके बाद में आई टुक अ ब्रेक, लाइक बड़ा वाला ब्रेक, बिकॉज मुझे करनी थी एडिटिंग। तो 9 तारीख को मेरी एक ऑलरेडी एक वीडियो गई है, एक व्लॉग, स्टडी व्लॉग, तो उसकी मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी थी, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना था एंड ऑल्सो टाइटल वगैरह डाल के उसे शेड्यूल करना था 3 बजे के लिए। सो वो सारा काम मैंने करा एंड एक अच्छा खासा ब्रेक भी हो गया मेरे लिए पढ़ाई से, मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक मिल गया। थोड़ी सी एडिटिंग थी वो करी, थंबनेल बनाने को था वो भी बनाया एंड उसके बाद में मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा और उसे शेड्यूल करा 3 बजे के लिए।
सो इट्स करंटली 10:50 और तब से मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, वो सब कुछ काम आज हो गया. आज मेरी वीडियो लाइव जाएगी. जो मैंने पिछले कल वॉइस ओवर करा था और थोड़ा बहुत उसमें काम था वो एडिट वगैरह करा, वीडियो मैंने शेड्यूल कर दी है एंड अब सीधे पढ़ने का काम करते हैं. ओके गाइस, सो एडिटिंग करने के बाद में मैंने फटाफट से शावर ले लिया और फिर मैं बैठ गई पढ़ने. मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया क्योंकि आजकल मेरा मन नहीं करता, मैं सीधे लंच ही करती हूँ. तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई एंड मैंने वीडियो भी लगाई अराउंड 11:30 के मैं पढ़ने बैठ गई एंड पता नहीं यार वो वीडियो ही नहीं बनी. मैं बीच बीच में, मतलब मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो ऑन होती है बट वो बनती नहीं है. मतलब या तो मुझे कोई डाउट में रहती हूँ मैं कि वीडियो चल रही है और वो वीडियो नहीं बनी, और जब मैंने देखा वो वीडियो बन रही थी बट वो बीच में खुद से ही स्टॉप होगी, और ऐसा कोई रीज़न नहीं था उसके स्टॉप होने का. लाइक हीट वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था फ़ोन, वैसे मेरा फ़ोन हीट कर जाता है बट बिल्कुल नॉर्मल था. और भाई मैं हैरान, 1:22 की वीडियो बनी. मतलब मैंने 1 घंटे तक पढ़ा, अराउंड 12:30 हो गए. उसके बाद मैंने सोचा चलो पढ़ाई और ही कर लेती हूँ, ऐसे वीडियो भी छोटी सी बनेगी और पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी. सॉरी, वीडियो भी अच्छी बन जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी. वैसे मैं रेस्ट करने जा रही थी उस टाइम बिकॉज़ मैं 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ दिन में. तो मैं फटाफट से पढ़ने बैठ गई एंड अराउंड 1:20 तक, 15 मिनट तक, 10 मिनट तक ऐसे जैसे मैं पढ़ी. मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, फिजिक्स पढ़ रही थी, पता नहीं गाइस मैं कुछ पढ़ रही थी बट मैं फिजिक्स पढ़ रही थी और वो मैंने पढ़ा एंड देन मैं रेस्ट करने चली गई. सो दैट इज़ इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस. आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी दैट मेरा क्या टाइम टेबल है डेली का. एंड ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ तो बाहर से कुछ जीव जंतु पीछे से पता नहीं क्या आवाज़ करते रहते हैं, होते हैं तो ये आवाज़ करते रहते हैं, तो उनकी वजह से मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है. सो येस, आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको अपना टाइम टेबल, बैकलॉग, सिलेबस सब कुछ शेयर करूँगी. एंड सो या, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाई.